मुश्किल हालात में आवाम को अगर थोड़ा सा कोई रिलीफ देता है, कोई स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, तो वो देता है PCL यानी कि खेल, यानी कि स्पोर्ट्स। जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो अपनी थोड़ी टेंशन रिलीफ कर लेते हैं PSL के मैचेस को देख के। और अगर PSL के बारे में हम बात करें तो कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का मजा चखना पड़ा है कल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया है। PSL 8 के चौथे मैच में कराची किंग्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 174 रन का हदफ दिया था, और इस्लामाबाद ने हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला भी किया था। कराची ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 173 रन बनाए थे, और कराची की जानिब से हैदर अली और शजील खान 34 रन बनाकर नुमाया रहे थे, और इस्लामाबाद के रोमन रईस, मोहम्मद वसीम जूनियर और टॉम केरिन ने 2-2 विकेटें हासिल की थी। मजीद आगे जानेंगे, साबिक क्रिकेटर साजिद खान हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे जानेंगे कि वो इस तरह से मैच को कैसे देखते हैं। साजिद खान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि कराची किंग्स के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं या कप्तानी ठीक नहीं हो रही है, क्यों मुसलसल दूसरी बार उनको शिकस्त का मजा चखना पड़ा? बहुत शुक्रिया वरदा, यकीनी तौर पर बहुत ही आला आपने मैच की सूरत हाल बताई, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत ही आला इंट्रो, बहुत ही आला है। क्रिकेट लवर पाकिस्तान यकीनी तौर पर तमाम मुश्किलात के बावजूद भी एक पाकिस्तान सुपर लीग, शहर कराची की आवाम जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग को तमाम टीमों को सपोर्ट करती है, और कराची 13 मैचों में 12 मैच हर चुकी है, और कराची की कप्तानी, फील्डिंग और प्लानिंग नाहल यकीनी तौर पर नाकाम हो गई। ये कराची होम टाउन होम ग्राउंड में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, बैट कप्तानी कहूंगा, बैट प्लानिंग कहूंगा, हैदर और जहां शजील की बात की, अगर ये यहां पर रन नहीं बनाएंगे तो सर वसीम अकरम तो यकीनी तौर पर शुगर के हाई मरीज है, खुदा ना खासे दुनिया से ना चले जाए, उनको टेंशन दे दी लड़कों ने। एक गुवाही थी बंदा वसीम अकरम जो पाकिस्तान सुपर लीग कराची क्रिकेट के सदर है, वो बल्ला पकड़ के बॉल पकड़ के खुद तो नहीं खेल सकते, मोटिवेट कर सकते। मेरी वसीम अकरम से बात हुई, वसीम अकरम परेशान है, कह रहा साजिद में क्या करूं, इनको बता ही सकता हूँ जिस तरह हैदर आउट हुआ, जिस तरह शजील आउट हुआ, इनको रन बनानी है, और जिस टीम को फील्डिंग करना ना है, जिस टीम को बॉलिंग करना ना है, और 170 रन पे टीम आगे में इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान जो मेरे सक्रिय मुश्ताक के दामाद बन चुके हैं, और मैं क्रेडिट ऑल क्रेडिट सक्रिय मुश्ताक को देता हूं। पिछले 2-3 साल में जिस तरह शादाब खान ने अपने आप को मोटिवेट किया, और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह उसने कप्तानी की है ना, और जिस तरह इस्लामाबाद की टीम जैल होके खेली है, मैं यहाँ पर चैंपियन टीम को कहूंगा, जिस तरह आजम खान जो मेरे शागिद मोइन खान के बेटे हैं, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। फहीम मशर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आसिफ ने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया। मोहम्मद आमिर के एटीट्यूड के बारे में क्या कहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, मोहम्मद आमिर को सोचने लेना चाहिए, पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास कप्तान बाबर आजम के लिए जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को आप पहले तो खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस अजीम क्रिकेटर के लिए कह रहे हैं, और अजीम क्रिकेटर, अजीम कप्तान पाकिस्तान का गुजरा है, और मोहम्मद आमिर जो है 20 की पेस से बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉलिंग तो उस तरह की बॉलिंग भी नहीं है, उस तरह की लेंथ और डायरेक्शन नहीं है, वो ग्रेट प्लेयर के लिए बात कर रहा है, ग्रेट पाकिस्तान के कप्तान के लिए बात कर रहा है। पहले तो मोहम्मद आमिर साहब अपने गिरबान में झांकें, और किसी भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसकी दुनिया मानती हो, जिसको दुनिया और पाकिस्तान के नौजवान का रोल मॉडल है बाबर आजम, उसके लिए आप ये अल्फाज यूज कर रहे हो, पहले अपनी कारकर्दगी तो बेहतर करो, फिर उस तरह कारकर्दगी में दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम तो रोशन करो। सही, अच्छा, और रोमान रईस के कमबैक को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ब्रिलियंट रहमान रईस, देसा क्रिकेटर, फाइटर बॉलर, फाइटर इंसान, जिस तरह 2 साल पहले वो कम बैक कर अनफिट हो गया, जिस तरह से अपनी इंजरी को कवर किया, फिर असिस्टेंट कोच बने, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करके साथ लेंथ और डायरेक्शन, जैसे एक अभिनता हमने पहले भी बात की, फास्ट बॉलिंग जो है लेंथ और डायरेक्शन करने वाली बॉलिंग, और 3 तो शॉर्ट फॉर्म की क्रिकेट होती है, 120 बॉलों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको बॉल करने आना चाहिए, नया बॉल और पुराना बॉल, तो ये रहमान रईस का आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुकता उठाई, नौजवान सोचना चाहिए, अपकमिंग बॉलर को सीखना चाहिए, रहमान रईस अनफिट हो, यही इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल, आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा, मेहनत को नहीं छोड़ा, और जिस तरह से कमबैक किया है, ये है पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों का, बदकिस्मत है जिस तरह उनको चांस नहीं मिल सका जितना उसको मिलना चाहिए था, जितना चांस मोहम्मद आमिर को मिल रहा है, इतना रहमान रईस को मिलता तो शायद पाकिस्तान के स्टार बॉलर बन के सामने आता, के आगे जाके उनको मौका मिले। अच्छा, ये बताएं कि आज पेशावर मुल्तान का मैच है, तो आपको कौन लग रहा है कौन जीतेगा, मुल्तान सुल्तान के पेशावर जुल्मी जुल्म ढाएंगे मुल्तान पे?
देखिए मुल्तान ने जिस तरह कराची क्वेटा को ट्रैप किया और क्वेटा के जो ग्राउंड में जैसे क्वेटा की टीम को हमने फेवरेट करार दिया, क्यों ना फेवरेट करार, चैंपियन टीम थी, जिस तरह क्वेटा की अगर खिलाफ मुल्तान ने अगर रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की, विकेट पर बॉल उस तरह नहीं आ रहा था, मगर वहाँ भी आपने देखा एक फास्ट बॉलर ने नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर 150 की बॉल से बॉल की है, पूरी क्वेटा की टीम को बैकफुट पे कर दिया, पेस से भगा दिया। इस 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान के टॉप लेवल के बैट्समैन खेले थे, ओवरसीज प्लेयर जो क्वेटा गए थे वो बैकफुट पे चले गए। सरफराज यकीनी तौर पर टीम डिपेंड करती थी वो आउट ऑफ दी टीम आउट, हफीज 8वें नंबर आए जो टीम की आप बैटिंग स्टैंड देख लें, मगर उस नौजवान फास्ट बॉलर की मैं तारीफ करूँ, उसने 5 विकेटें हासिल की और 150 की पेस से उसने बॉलिंग की है। तो ये 5 विकेटें हासिल की और अच्छी तेज बॉलिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान हमारे साथ थे। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन, सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सोहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून, रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।